डेढ़ साल एक इतनी बड़ी स्टार कास्ट के लिए मुझे लगता है कोई लंबी बात नहीं है। हाँ, मेरे अपने प्लानिंग के हिसाब से डेफिनेटली पिक्चर 4-6 महीने लेट आ रही है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक हमारा एक बहुत बड़ा शेड्यूल था जो करिश्मा की शादी के साथ फंस गया था। करीना क्योंकि करिश्मा की बहन है और करिश्मा क्योंकि मेरी अपनी बेटी समान है, वो शादी अटेंड करना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और करीना के लिए ज़रूरी था। हमारे कुछ 26-27 दिनों का एक शेड्यूल था जो बिखर गया उस शादी की वजह से, और वो हम समझते कि डेस्टिनी थी, कुछ किसी का भला और किसी का बुरा, समझ लो कि उसी का शिकार था। तो सबकी डेटें दोबारा एसएमएल करने में कुछ समय तो जाता है, तो कुछ इस कारण पिक्चर थोड़ी डिले हुई है। और इससे पहले भी हम जब कनाडा गए थे शूटिंग के लिए मॉन्ट्रियल में, उस वक्त डबू रणधीर कपूर जो करीना के फादर हैं उनका हार्ट अटैक हुआ था दिल्ली में, और करीना ने मुझसे रिक्वेस्ट की, और आई गेस एनीबडी इन माय प्लेस वुड हैव डन व्हाट आई डिड। माय यूनिट वाज देयर एंड शी हैड टू विजिट हर फादर इन दिल्ली, शी हैड टू बी बाय साइड फॉर अ कपल ऑफ डेज, सो दैट शेड्यूल आल्सो गॉट अ लिटिल अफेक्टेड। सो ऑल इन ऑल आई फील इट वाज बेसिकली these minor upheavals in my scheduling which caused a delay of 3 to 4 months, in all maybe overall maybe 6 months, but for a film of this magnitude normally it would take this kind of time. I signed, maine Dharmeshwar Akshay ko sign kiya tha 2002 ki Diwali mein, uske baad pura project banna nikalna, main aisa samajhta hu ki from Delhi boom niche from an outsider's view it's not really taken much of time. 2002 ki Diwali, that's about I think end of October and November mein Diwali thi, to sign kiye jate hain artists, uske baad subject pe kaam kiya jata hai, uske baad baaki artists se sign kiye jate hain, sabke combinations bante hain, uske baad shooting shuru hoti hai. To ab picture mukammal hai, last schedule hai, picture ki dubbing bhi ho gayi hai, music background ka chal raha hai, और इफ ऑल गोज वेल 24 दिसंबर को हम रिलीज कर लेंगे पिक्चर। तो ये तो जैसे प्रमोट होगी पिक्चर, आप देखते जाइएगा, और अगर आपको लगे कि अच्छा है तो मुझे बताइएगा अच्छा है, तो मैं उतने ज़्यादा उत्साह से काम करूँ। जी मैं अपना लैपटॉप घर पे भूल आया, तो मुझे हिसाब का पूरा पता नहीं है कितना खर्च हो चुका है, और जहाँ तक ग्रैंडनेस का सवाल है, मेरे ख्याल में जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है मैंने हमेशा पूरी की है। इफ़ इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रैंडनेस इट विल बी देयर। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट सिंसियर पैशनेट फिल्म मेकर एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस वे। जी जी खैर, इसी फिल्म को प्लान करने के कई तरीके होते हैं, ये आपका पर्सनल नज़रिया क्या है कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव। मेरा हमेशा यही फाइनल गोल रहा है कि अच्छी से अच्छी फिल्म बना पाऊँ, और जो किरदार ज़रूरी है स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हीं को कास्ट करूँ। यूँ नहीं कि भाई क्योंकि एक बड़ा आर्टिस्ट अवेलेबल है तो उसको पिक्चर में ले लूँ, या एक मल्टी स्टार कास्ट पिक्चर बनानी है तो भाई स्टोरी को पीछे रख दूँ और सबको जमा कर लूँ। मैंने नए न्यू कमर्स के साथ भी फिल्म बनाई है, कोई मेरे दिल से न्यू कमर्स के साथ थी, सिर्फ तुम भी न्यू कमर्स के साथ थी, प्रेम भी न्यू कमर्स के साथ थी, और बड़े स्टार कास्ट के साथ भी पिक्चर बनाई है, कुछ चली है कुछ नहीं चली है। तो अपने तरफ से हमेशा स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है मैंने, तो इसमें कभी कामयाबी मिलती है कभी नाकामयाबी,
पिछले दिनों से कुछ किस्मत साथ नहीं दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म से कुछ चेंज होगी किस्मत। आप भी दुआ कीजिएगा कुछ, वरना एक पैशनेट प्रोड्यूसर पता नहीं कहाँ जा बसेगा। Thanks.